हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम टाइगर श्रॉफ और उनकी गर्लफ्रेंड दिशा पटानी के बारे में बात करेंगे कि उनके ब्यूटीफुल से कपल में कौन सी प्रॉब्लम पैदा हो गई है जिसके बायस ना सिर्फ वो बल्कि उनके फैंस भी बहुत ज़्यादा सैड हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिलती रहें। जैसा कि आप जानते हैं, टाइगर और दिशा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके कपल की एग्जांपल्स दी जाती हैं। टाइगर श्रॉफ की इससे पहले कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, दिशा पटानी उनकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है और वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं। दूसरी तरफ दिशा का भी यही हाल है, वो भी टाइगर को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं। तो लास्ट डेज में उन्होंने टाइगर के लिए कुछ रूल्स सेट किए हैं। वो ये कि इंस्टाग्राम पर टाइगर किसी और लड़की की पिक्चर को लाइक नहीं कर सकते, किसी और को एक्टर से सेट के अलावा बात नहीं कर सकते। ना सिर्फ ये बल्कि टाइगर कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, सब कुछ दिशा को पता होना चाहिए। और उसके अलावा डेली बेसिस पे दिशा टाइगर का मोबाइल भी चेक करती हैं। इन सारे रूल्स पर टाइगर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को प्यार समझते हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट उनके फैंस समझ रहे हैं कि दिशा टाइगर की लाइफ को कंट्रोल करना चाह रही हैं और इट्स नॉट गुड। इस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, बट दिशा ने कहा कि ये हमारा रिलेशन है और मैं इसमें किसी की मुदाखलत एक्सेप्ट नहीं करती, जो हमारा दिल करेगा हम वही करेंगे। दिशा का तो जवाब सामने आ गया, क्या टाइगर को ये सारे रूल्स और इनसे क्या कभी कोई प्रॉब्लम होगी? आपको क्या लगता है कि टाइगर के लिए दिशा को ऐसा सोचना चाहिए या ये रूल्स सेट करने चाहिए थे कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।